वेलकम टू माय चैनल। और आप सब बताइए कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो लोग मेरी वीडियो डेली वॉच करते हैं और उन लोगों को तो मालूम ही होगा, उन लोगों ने देखा भी होगा मुझे नाइट केयर स्किन केयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने यूज़ किया था। मैं इसे डेली में यूज़ करती हूँ और आप इसको मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो, मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो। मेकअप से पहले आप इसको, जैसे घर में ही आपको रहना है, ज़्यादा कहीं देर के लिए मेकअप नहीं करना है, तो आप इसको लगाइए और फाउंडेशन लगा लीजिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मेकअप को भी बहुत अच्छे से सेट करके रखता है ये। और कम से कम तीन से चार घंटे अच्छे से सेट करके रखता है ये मेकअप को। तो मैं घर ज़्यादा अगर लॉन्ग टाइम के लिए मुझे मेकअप नहीं रखना है तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ है तो भाई अच्छा ही होगा, हमको भी पता होता है इसमें क्या है। मार्केट की चीज़ें तो विश्वास करने लायक ज़्यादा रहती नहीं है, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। किस तरीके से बनाया है मैंने इसको तो आप लोग वीडियो में देखिए इसको। और भाई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे बनाने के लिए ये एलोवेरा जेल लिया है और ये मैंने मिनरल वाटर ले रखा है और ये ग्लिसरीन है और रोज़ वाटर लेना है हमको और एक खाली बॉटल चाहिए स्प्रे के लिए। तो ये मेरे पास रोज़ वाटर की खाली बॉटल पहले से रखी है, तो ये है। और यहाँ पे विटामिन ए की मैंने एक कैप्सूल ले ली है, तो विटामिन ए कैप्सूल हमको दो चाहिए। तो यहाँ पे ये रोज़ वाटर मैं अपनी बॉटल के हिसाब से आधा बॉटल ले लूँगी और जितना हमने रोज़ वाटर लिया है उसका हाफ हमको पानी लेना है, ये मिनरल वाटर लेना है हमको। और ग्लिसरीन मैं 1.5 चम्मच लूँगी यहाँ पे। तो आप लोगों को जिनकी स्किन ड्राई है तो वो लोग 2 चम्मच ले सकते हैं, मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे। ऑयली स्किन वाले 1 ही चम्मच डालें। और 2 कैप्सूल में ये विटामिन ई की कैप्सूल डालूंगी। तो जैसा कि ग्लिसरीन सभी को पता है कि ड्राई स्किन और ठंडियाँ खासकर आ रही हैं, तो अभी सभी की स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, ये नेचुरल ग्लो देता है हमारी स्किन को। रोज़ वाटर तो भाई ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन सभी स्किन के लिए अच्छा है। तो जब ये सब एलोवेरा जेल भी बहुत बढ़िया है स्किन के लिए, जिनको झाइयों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन ई के कैप्सूल हैं, इसके भी गुड़, तो काफ़ी चीज़ें इतनी सारी मिक्स हो जाएंगी तो ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है ही है हमारी। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको मैं अपने हाथों पे अच्छे से स्प्रे करूंगी और फिर मैं इसे फाउंडेशन आपको लगा के दिखाऊंगी दोनों हाथों पे, एक हाथ पे बिना स्प्रे करे हुए लगा के दिखाऊंगी, एक हाथ पे ये मैंने जो मिक्स बनाया है मिक्स, तो इसको ही लगा के दिखाऊंगी कि कैसे कितना अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा फाउंडेशन, आप खुद देखिएगा बहुत जल्दी वो भी ब्लेंड होता है।
तो पहले हमको इस स्प्रे को करने के बाद अच्छे से सूख जाने देना है। और जब ये सूख जाए तो अब हम फाउंडेशन लेंगे थोड़ा सा। तो ये मेरा ख़त्म हो चुका है, इसमें थोड़ा ही बचा है तो निकलने में दिक्कत हो रही है। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा ये। स्किन में ऐसे ब्लेंड होगा कि लगेगा ही नहीं हमने कोई फाउंडेशन की कोई लेयर लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा है, ज़्यादा कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है हमारी स्किन में। और आप इसके बिना लगा के देखिए तो आपको अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर भी ब्लेंड नहीं हो पाएगा। मैं दूसरे हैंड पे आपको दिखाऊंगी अपने कि आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इसमें मेरे कैमरे में अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है। बट मुझे पता है कि अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ खूब। अब मैं फेस वॉश करने के बाद ये स्प्रे यूज़ करूँगी और देख इसको सूखने दूँगी हाथों से अपने ही थपथपी देते हुए। रगड़ना नहीं है इसको कि रगड़ के इसे टॉवल वगैरह से पोंछ लेना है, तो इसे हाथ से थपथपी देते हुए ही सूखने देना है। तो आप खुद देखेंगे कितना अच्छा ग्लो आता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन अभी ठंडियाँ आ रही हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग यूज़ नहीं करते तो यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बस गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।